पंजाब च वगदे नशियां दे छेवें दरिया तो हर कोई चिंता च है अते इस नूं खत्म करन लई गुहार लगा रहा है। उधर राजनीतिक पार्टियां इस नूं मुद्दा बना के इस दा लाहा लै रहियां हन। अमृतसर च सब दा भला ह्यूमन नृत्य क्लब संस्था वालों इस नशे दे दरिया नूं खत्म करवाउण दे मकसद नाल संस्था दे कुछ लोग भुख हड़ताल ते बैठे हन। उन्हां कहा कि सानूं पता है पंजाब च हर नुक्कड़ ते नशे दा कारोबार हुंदा है, लेकिन पुलिस उन्हां खिलाफ कार्रवाई नहीं करदी। उन्हां प्रशासन अते सरकार तों मंग कीती कि पंजाब नूं नशा मुक्त करन लई एक टोल फ्री नंबर होना चाहिदा है तां जो लोग नशे दी तस्करी कर रहे लोकां खिलाफ शिकायत कर सकन अते उन्हां दा नाम गुप्त रख्या जाए। संस्था दे प्रधान नवतेन सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार नूं पता है कि पंजाब च किथे किथे नशा विकदा है अते असी उन्हां दे कुछ दिन पहले गुरदासपुर अते अमृतसर दीआं जेलां दे बाहर पोस्टर भी लगाए सन। उन्हां कहा कि पर हाले तक सरकार अते प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कीती। उन्हां कहा कि अगर साडी मंग पूरी ना कीती गई तां असी डीसी दफ्तर दे बाहर धरना प्रदर्शन करांगे। जिसके अकॉर्डिंग हमने एक साल पहले भी नशा तस्करों के जो नाम थे वो डिस्क्लोज किए थे। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में हमने एक बैनर लगाकर, ऐसा ही एक बड़ा बैनर लगाकर हमने जो ड्रग्स स्मगलर हैं उनके नाम हमने डिस्क्लोज किए थे और प्रशासन को कहा था, सरकार को कहा था कि ये लोग हैं जो पंजाब की नौजवानी को बर्बाद कर रहे हैं और अब इनको पकड़ो। हमने उनके नाम और मोबाइल नंबर भी उनके साथ डिस्क्लोज किए थे, मगर उसके बाद कोई खास प्रशासन की ओर से कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई। और जिसके बाद आज हमने, कल हमने जहां अमृतसर में एक होल्डिंग लगाया है जिस पर हमने पूरे पंजाब के जो स्मगलर हैं उनके नाम हमने डिस्क्लोज किए हैं, साथ में मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर भी हमने लिखे हुए हैं कि ये लोग हैं जो पंजाब की नौजवानी को बर्बाद कर रहे हैं। और इसके साथ हमने 26 मेडिकल स्टोर हैं जो नशीले टीके कैप्सूल गोलियों को बेचते हैं और हमारे नौजवानों को, उनकी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, उनके नाम भी हमने जहां दिए हुए हैं। और आखिर हमने ये बैनर लगाकर और हम उसके आगे भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं जब तक प्रशासन हमें हमारी मांग को मानते नहीं है। और जो हमारी अहम मांग है जहां पर हमने रखी है प्रशासन के आगे, वो हमारी यह है कि पहले तो इन लोगों को कानूनी कार्रवाई करके इनको बंद किया जाए, जो मेडिकल स्टोर है इनको सील किया जाए। और जो दूसरी हमारी मांग है, जो पंजाब में एक हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर लॉन्च किया जावे, 3 डिजिट का नंबर लॉन्च किया जाए जिस पर कोई किसी स्मगलर की जानकारी देना चाहता है, कोई लेडीज़, कोई भी व्यक्ति किसी स्मगलर के बारे में प्रशासन को जानकारी देनी चाहता है या कंप्लेंट करानी चाहता है और उस नंबर पर वो कंप्लेंट कर सके और तुरंत एक सिस्टम के साथ ये नंबर लॉन्च हो, जैसे उसका हेड ऑफिस एक ही हो पंजाब में और उसका एक ईमानदार IPS अफसर उसका इंचार्ज हो। ब्यूरो रिपोर्ट, 5 आप टुडे।